फुल सॉन्ग इन डिस्क्रिप्शन। तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी मेरी वीडियो पर, हेलो इसलिए दोस्तों, दोस्तों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्स वाई जेड में स्वागत है। दोस्तों आप जो स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखी है, मैं उसका ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ आपके सामने। अगर दोस्तों आपको वो वीडियो बनानी है बड़े ही आसानी तरीका से, तो दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो में अंत तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, अगर आप पुराने हो तो प्लीज वीडियो कर दीजिए लाइक। चलिए दोस्तों मेरे मोबाइल पर, मैं सिखाता हूँ आपको कैसे बनानी हो वीडियो। हाँ, तो दोस्तों आपको सभी को अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन ऑन कर लेना है। अगर दोस्तों आप पर काइन मास्टर प्रो वर्जन नहीं है मेरा वाला, तो दोस्तों मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से उसको सीधे डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों ये वीडियो सबसे हटकर बनाई है मैंने, थोड़ा देख लेना, अपना ही टैलेंट इसमें यूज किया है मैंने। दोस्तों आपको क्या करना है, काइन मास्टर एप्लीकेशन ऑन करेंगे तो आपके सामने यहाँ एक प्लस का ऑप्शन आएगा, प्लस पर टैप कीजिए। प्लस पर टैप करेंगे तो ये तीन ऑप्शन मांगेगा आपके सामने, तो यहाँ पर आपको 9:16 का टैप कर दिया है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, मैंने एक वीडियो की लिंक दे दी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप वो वाली वीडियो यूज करना चाहते हो तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए। पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद ही अपना आगे प्रोसेस करें। दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ से मीडिया का ऑप्शन आ रहा है, मीडिया पर टैप कर आपको बैकग्राउंड ले लेना है, हमेशा की तरह एक ब्लैक कलर का, जो कि आपको यहाँ से 10 से 15 सेकंड तक उसको कर लेना है, और फिर कर देना है राइट, और फिर चला जाना है आपको स्टार्टिंग में। यहाँ एक ऑप्शन आएगा लेयर का, आप लेयर पर टैप कीजिए और सबसे फर्स्ट में ऑप्शन आता है मीडिया का, मीडिया में चले जाइए। दोस्तों देखिए मैंने कुछ इस प्रकार की अपनी एक वीडियो शूट कर ली है, आप भी एक ऐसी वीडियो शूट कर लीजिए। मैं थोड़ी अपनी वीडियो कट करता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कैसी वीडियो आपको शूट करनी है। दोस्तों देखिए आपको कुछ इस प्रकार की एक वीडियो शूट कर लेनी है, देखो जैसे मैंने करी है ये वाली। कोई सी भी एक कलर का आप हाथ में अपने पेपर ले लीजिए, कोई भी कलर हो सकता है, ब्लू, ग्रीन, येलो, जो भी कलर आपके पास हो पेपर, वो कलर का आप पेपर ले लीजिए एक। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी वीडियो पर टैप करना है पेपर वाली पर, उस पर टैप करेंगे तो थोड़ा साइड में नीचे स्क्रॉल करोगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुले आएंगे। तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा क्रोमा की का, आप क्रोमा की पर टैप कीजिए। क्रोमा की पर टैप करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा कलर चूज करने का, आप कलर चूज कर लीजिए जो भी कलर का आपका पेपर है। मेरा ये वाला कलर का पेपर है ब्लू का, तो मैंने ब्लू कलर अपना चूज कर लिया है, और यहाँ से कर देता हूँ मैं अनेबल। अनेबल करने के बाद आपको क्या करना है, अपने इस वीडियो को एडजस्ट करना है, अपने थोड़ी लाइटिंग कम हो जाएगी आपकी वीडियो की, तो उसको एडजस्ट कर लीजिए आप। दोस्तों देखिए मैंने अपनी वीडियो एडजस्ट कर ली है, अब आपको क्या करना है, मैं एक वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, जो लड़की वाली, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, वरना आप अपनी कोई भी वीडियो यूज कर सकते हो इसके अंदर। उसको लाने के लिए आपको लेयर पर टैप करना पड़ेगा, फर्स्ट में ऑप्शन आएगा मीडिया का, मीडिया में चले जाइए। दोस्तों आप वो वाली वीडियो यूज कर सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना आप अपनी मर्जी से कोई सी भी वीडियो यूज कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, अपनी वीडियो को थोड़ी सी यहाँ ऊपर से कर्व करनी है, और यहाँ एक ऑप्शन आएगा 3 डॉट का, आप 3 डॉट पर कर अपनी वीडियो को सेंड टू बैक में कर दीजिए, और अपने हिसाब से अपनी वीडियो को इसमें एडजस्ट कर लीजिए, छोटी बड़ी जो भी आपको करनी है उसके हिसाब से अपनी इसमें पेपर के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। पहले हम वीडियो स्टार्ट कर देखते हैं कैसी आई है, फिर उसके बाद एडजस्ट करते हैं इसके अंदर। दोस्तों बहुत ही इजी सिंपल है ये काम करना है, इसको वीडियो बनाना। दोस्तों देखिए हमारी थोड़ी सी वीडियो बाहर जा रही है, तो हम इसको थोड़ी सी ठीक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी वीडियो प्ले कर देख लेनी है, अगर थोड़ी सी भी एडजस्ट ना हुई हो तो दोबारा एडजस्ट कर लीजिए उसको। दोस्तों मेरी वीडियो एकदम एडजस्ट हो गई है, अब आपको क्या करना है, आपकी पूरी वीडियो बनकर रेडी हो गई है। आपका जो यहाँ से आपका वीडियो ख़त्म होती है, वहाँ से पहले अपने बैकग्राउंड को डिलीट कर दीजिए, बैकग्राउंड पर टैप कीजिए और सीजर पर टैप कर ट्रिम टू राइट प्ले हट कर देना है आपको, आपका बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा उधर का। फिर आपको क्या करना है, एक ऑप्शन आएगा शेयर का, आप शेयर पर टैप कर अपनी वीडियो अपनी मेमोरी में एक्सपोर्ट कर दीजिए। दोस्तों बहुत ही सी ईजी सिंपल है इसको बनाना वीडियो को। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।